भारत अपनी आज़ादी की आज 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में जंगे आज़ादी में मुसलमानों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी और आज भी मदरसा हो या कोई भी मुस्लिम संस्थान, वहां इस राष्ट्रीय त्यौहार को कितने उत्साह के साथ मनाया जाता है उसकी ही एक तस्वीर पेश की है जदयू नेता और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल बाकी ने। दरभंगा जिला स्थित अपने पैतृक गाँव अरई में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदरसा जामिया जमहूरिया मोहियुल उलूम के सेक्रेटरी की हैसियत से उन्होंने झंडोत्तोलन किया और साथ ही वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुस्लिम समुदाय ने किस प्रकार अपनी भूमिका कंधे से कंधा मिलाकर निभाई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मदरसा में आज भी दीन के साथ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की आन बान और शान को सलामत रखने के लिए सभी को प्रेरित किया जाता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने गांव के लोगों का। इतनी धूप में बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर बारिश साहब मेरे मामू है, झंडा तोलन के बाद जो पहला प्रोग्राम है के मदरसा में बच्चों ने जो 15 अगस्त की तैयारी की है, अगर आप लोग दोस्त हैं ये सारा प्रोग्राम तो देखिए, उससे अच्छा लगेगा। इसके बच्चे बताएंगे कि 15 अगस्त के बारे में, और क्योंकि हमको दरभंगा जाना है, रामगढ़ प्रभारी है, इसलिए मैंने इनसे कहा उसके बाद शुक्रिया करने के लिए हमने कहा कि आप लोगों को शुक्रिया करना है। और दो बात रखनी थी कि मदरसा को जानना होगा कि मदरसा का सेंटेंस जिन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया तो मदरसा का मतलब सिर्फ बच्चे हाफिजी कुरान होंगे, मदरसा का मतलब सिर्फ हाफिजी बच्चे होंगे। हाफिज बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, वकील नहीं बन सकते। इसकी तारीख को, इसके सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जितने बड़े उलमा इकराम है उसमें मौलाना महमूद मदनी साहब है, मौलाना आसिफ मदनी साहब है, और हिंदुस्तान के जितने बड़े आलिम दीन हैं, इन लोगों की कोशिश है कि हाफिज बच्चे को किस तरीके से इस रेस में लाया जाए कि बच्चा डॉक्टर कैसे बने। मैं बताऊँ एक चीज, क्योंकि गाँव के यहाँ इम्पोर्टेंट लोग बैठे हुए हैं, इस बात को जानना होगा कि बेगूसराय से एक फोन आता है हमारे पास कि आपके मदरसे में जो बच्चा हिट कर लिया है उसको मेडिकल की तैयारी होगी, बच्चे वहाँ से 10th 11th करेंगे, तो अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो हम दिल्ली गरीब की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज देंगे। हमने कहा भेजिए, तो कहा कि यकीन है। हमने कहा भेजिए, हमारे यहाँ के बच्चे इस बिल्डिंग नई बिल्डिंग की हमने कहा था कि भाई हिट के अलावा, क्योंकि हमारे मदरसे में 100 बच्चे जो हिट कर रहे हैं, हिट करने के बाद और कभी हम जाया करते थे बाहर, और कभी हम दुकान है और बुनियादी तालीम को हासिल करने के लिए इसी नई बिल्डिंग की इमारत में हम लोगों का इकरार रख रहा हुआ कि बच्चे को किस तरीके से आगे की तालीम दिल्ली बॉम्बे और बाहर की जाए, इसलिए हम लोग बच्चे को तालीम इसी छत पर देंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और इसकी कोशिश के लिए सारे स्टाफ यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने सारे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चों की मेहनत, बच्चों की जो तालीम हो रही है सुबह से लेकर फजर की नमाज से लेकर के रात 11 बजे तक बच्चे की तालीम होती है, एक एक जानना होगा और समझना होगा कि दारुलतमाम मदरसा हिंदुस्तान का, दुनिया का जो सबसे बड़ा मदरसा है, उस मदरसे की जो तारीख पढ़ने के बाद ये समझ में आती है बात कि मदरसा का जो फाउंडेशन, मदरसा का जो नए दिनों में रखा उसका इतिहास ही बताता है कि मदरसा का मतलब नहीं है। ये बताता है लोगों को, ये तारीख बताती है कि मदरसे में
लेकिन नहीं, इसी मदरसे के इतिहास में हम चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे बताएंगे लोगों को कि मदरसे जिस तरह से देश के आजादी में हमारे युवाओं का हाल होता, तालीमों का हाल होता, हम ऐसे वैसे बच्चे को यहाँ तैयार करेंगे और तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम बनाए हुए हैं, वैसे बच्चों को हमको मजबूत बनाए। जिस तरीके से दारुलजमन ने काम किया, दारुलजमन ने देश को पूरी दुनिया को बताने का काम किया, इंशाअल्लाह आने वाला कल मदरसा जामा जुमिया भी एक तारीख बनाएगा। ये बात मैंने कही, भूलना नहीं है, हम इस बात को पहले से नहीं भूलना नहीं है कि पूरे भारत में पहला आपने कहा है मदरसा जामा जुमिया और इसकी पूरी दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देने का काम किया। बच्चों को नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ मस्जिद बनवाइए और उनका भी शुक्रिया।